नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप लोग। डेली करंट अफेयर्स के 2 सितंबर 2020 में आपका स्वागत है। मेरा नाम है विनीत सागर। चलिए देखते हैं आज के करंट अफेयर्स से रिलेटेड 10 क्वेश्चंस क्या निकल के आ रहा है। पहले मैं क्वेश्चंस पढ़ते जाऊंगा, पोस्ट करके पढ़िएगा, फिर हम देखेंगे आप लोग कितने मार्क्स लाए हैं और बाद में आंसर्स की एक्सप्लेनेशन करेंगे। राइट, क्वेश्चन नंबर वन। विथ रेस्पेक्ट टू द ISRO's एस्ट्रोसैट मिशन, विच ऑफ दी स्टेटमेंट्स आर करेक्ट। क्वेश्चन नंबर टू। द डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह इज टू विजिट रशिया फ्रॉम September 3, 2020 टू September 5, 2020। ही विल अटेंड द डिफेंस मिनिस्टर्स मीट ऑफ शंघाई कॉपरेशन ऑर्गेनाइजेशन, कलेक्टिव सिक्योरिटी ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन एंड कॉमनवेल्थ ऑफ इंडिपेंडेंट स्टेट्स CIS मेंबर स्टेट्स इन कॉमेमोरेशन ऑफ 75th एनिवर्सरी ऑफ विक्टरी इन द वर्ल्ड वॉर टू। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर करेक्ट। देखो, डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह जी रशिया जाने वाले हैं एक मीटिंग अटेंड करने के लिए, ठीक है। तो उसमें शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन के मेंबर्स होंगे, कलेक्टिव सिक्योरिटी ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन के मेंबर्स होंगे और कॉमनवेल्थ ऑफ इंडिपेंडेंट स्टेट्स के मेंबर्स होंगे। आपको ये तीनों स्टेटमेंट देख के सही क्या है लिखना है। राइट, क्वेश्चन नंबर थ्री। विथ रेस्पेक्ट टू द इंडिया जापान रिलेशंस, विच ऑफ दी स्टेटमेंट्स आर करेक्ट। क्वेश्चन नंबर फोर। विथ रेस्पेक्ट टू द एडजस्टेड ग्रॉस रेवेन्यू रिसेंटली सीन इन न्यूज, विच ऑफ दी स्टेटमेंट्स आर करेक्ट। क्वेश्चन नंबर फाइव। विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री कमिट्स ऑफिशियल डेवलपमेंट असिस्टेंस ऑफ ₹3,500 करोड़ टू फाइट COVID-19 इन इंडिया। क्वेश्चन नंबर सिक्स। इंडिया हैज विदड्रॉन इट्स पार्टिसिपेशन फ्रॉम विच मल्टीलैटरल मिलिट्री एक्सरसाइज टू बी हेल्ड इन रशिया बिटवीन 15 to 26 September 2020। क्वेश्चन नंबर सेवन। मेड बोट रिसेंटली सीन इन न्यूज रिसेंटली इज अ रिमोट कंट्रोल्ड मेडिकल ट्रॉली टू डिलीवर फूड मेडिसिन टू COVID-19 पेशेंट्स, इट वॉज डेवलप्ड बाय। क्वेश्चन नंबर एट। इंदिरा 2020 रिसेंटली सीन इन न्यूज इज इंदिरा 2020, ये क्या है लिखना है आपको। क्वेश्चन नंबर नाइन। विच कंट्री इज द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ टर्मरिक इन द वर्ल्ड। क्वेश्चन नंबर टेन एंड और फाइनल क्वेश्चन। वॉट इज COGAT, COGAT, sometimes seen in international news। दोस्तों, हमारे 10 क्वेश्चन इधर खत्म हो रहा है। उम्मीद है आप लोग आंसर दिए होंगे। देखते हैं आप लोग कितने मार्क्स लाए और इसके एक्सप्लेनेशन में। क्वेश्चन नंबर वन। विथ रेस्पेक्ट टू द ISRO's एस्ट्रोसैट मिशन, विच ऑफ दीज स्टेटमेंट्स आर करेक्ट। तो द आंसर इज ऑप्शन डी 1, 2 और 3, तीनों स्टेटमेंट सही है। दोस्तों, पहले देखते हैं न्यूज में क्यों आया था। इंडिया फर्स्ट मल्टी वेवलेंथ सैटेलाइट एस्ट्रोसैट डिटेक्टर एक्सट्रीम अल्ट्रा वायलेट लाइट फ्रॉम ए गैलेक्सी लोकेटेड 9.3 बिलियन लाइट ईयर्स अवे फ्रॉम द अर्थ। द गैलेक्सी इज कॉल्ड AUDF S01। देखो, एक गैलेक्सी है AUDF S01। वैसे हमारा सोलर सिस्टम है वो एक गैलेक्सी के अंदर है और गैलेक्सी का नाम क्या है आप लोग सबको पता ही होगा, मिल्की वे। राइट, तो ऐसे बहुत सारे गैलेक्सी है यूनिवर्स में। तो इंडिया इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन का एस्ट्रोसैट नाम का एक सैटेलाइट है, लॉन्च किया था करीब 5 साल पहले। तो ये किसके लिए था? मल्टी वेवलेंथ ऑब्जर्वेशंस के लिए, ठीक है। दूसरे गैलेक्सियों में से कोई भी रेस मल्टी वेवलेंथ का जो भी एमिशंस होगा इसको ये डिटेक्ट करेगा। ये किसके लिए हेल्प करेगा? दूसरे गैलेक्सीज के बारे में पढ़ने के लिए, ठीक है। और कौन कौन से रेस आ रहा है, कुछ इन्फॉर्मेशन मिल पा रहा है, नहीं, ये सब के लिए। राइट, तो अभी AUDF S01 नाम के गैलेक्सी से अल्ट्रा वायलेट रेस डिटेक्ट किया है अपना एस्ट्रोसैट ने, तो इसलिए न्यूज में है। एस्ट्रोसैट मिशन, इसके बारे में थोड़ा पढ़ते हैं। एस्ट्रोसैट इज द फर्स्ट डेडिकेटेड इंडियन एस्ट्रोनॉमी मिशन एम्ड एट स्टडीइंग सेलेस्टियल सोर्सेस इन एक्सरे ऑप्टिकल एंड यूवी स्पेक्ट्रल बैंड्स साइमल्टेनियसली। देखो, काफी टेक्निकल डाटा लिखा है, इतना ही जानिए। एस्ट्रोसैट मिशन क्या है, कब लॉन्च हुआ था, इसकी लाइफ क्या है, ऐसा हमें जानना जरूरी है। और बेसिकली ये मल्टी वेवलेंस को डिटेक्ट करेगा, ठीक है। अब एस्ट्रोसैट विद अ लिफ्ट ऑफ मास ऑफ 1,515 किलो। लिफ्ट ऑफ मास मतलब जब लिफ्ट ऑफ होता है तब कितने मास है, ठीक है, वो रॉकेट के साथ। वॉज लॉन्च ऑन September 28, 2015 इन ए 650 किलोमीटर ऑर्बिट इंक्लाइंड एट एन एंगल ऑफ 66 डिग्री टू द इक्वेटर बाई PSLV C30। तो लॉन्च किया था कौन से? PSLV से, पोलासैट लॉन्च व्हीकल से लॉन्च किया था
फ्रॉम सतीश धवन स्पेस सेंटर श्रीहरिकोटा। ठीक है, तो सतीश धवन स्पेस सेंटर कहाँ है? श्रीहरिकोटा। द मिनिमम यूजफुल लाइफ ऑफ एस्ट्रोसैट मिशन इज एक्सपेक्टेड टू बी 5 years। तो इसका लाइफ कितना है? 5 साल है। तो आफ्टर इंजेक्शन इन टू ऑर्बिट द टू सोलर पैनल्स ऑफ एस्ट्रोसैट वेर ऑटोमेटिकली डिप्लॉयड इन क्विक सक्सेशन। ठीक है, सोलर पैनल्स भी डिप्लॉय हुआ था साथ साथ में। द स्पेस क्राफ्ट कंट्रोल सेंटर एट मिशन ऑपरेशन कॉम्प्लेक्स MOX ऑफ ISRO टेलीमेट्री ट्रैकिंग एंड कमांड नेटवर्क इज ट्रैक बेंगलुरु मैनेजेस द सैटेलाइट ड्यूरिंग इट्स एमिशन लाइफ। ठीक है, तो इसका पूरा कंट्रोल, ग्राउंड कंट्रोल कहाँ से होगा? इस ट्रैक से होगा। इस ट्रैक कहाँ पे? बेंगलुरु में है। द साइंस डाटा गैदर्ड बाय 5 पेलोड्स ऑफ एस्ट्रोसैट आर टेलीमेट्रेड टू द ग्राउंड स्टेशन एट MOX। तो जितने भी डाटा ये सैटेलाइट से एमिट होगा ये रिसीव करेगा ग्राउंड स्टेशन MOX में। ठीक है, डाटा देन प्रोसेस्ड आर्काइव्ड एंड डिस्ट्रीब्यूटेड बाई इंडियन स्पेस साइंस डाटा सेंटर ISSDC लोकेटेड एट बेलालू नियर बेंगलुरु। तो जो डाटा जो मिलेगा उसको प्रोसेस करेगा, सेव करेगा और डिस्ट्रीब्यूट करेगा, वो किसका काम है? इंडियन स्पेस साइंस डाटा सेंटर, ये भी बेंगलुरु में है। राइट, क्वेश्चन नंबर 2। द डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह इज टू विजिट रशिया फ्रॉम September 3, 2020 टू September 5, 2020। डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह जी जा रहे हैं रशिया, ठीक है, मीटिंग के लिए। ही विल अटेंड द डिफेंस मिनिस्टर्स मीट ऑफ, डिफेंस मिनिस्टर्स का एक मीट है। वैसे राजनाथ सिंह जी अपना डिफेंस मिनिस्टर है, तो इसमें कौन कौन है? देखो, शांघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन के मेंबर्स होंगे, रिप्रेजेंटेटिव्स होंगे, कलेक्टिव सिक्योरिटी ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन के रिप्रेजेंटेटिव्स होंगे, कॉमनवेल्थ ऑफ इंडिपेंडेंट स्टेट्स के होंगे। और ये कब हो रहा है? कॉमेमोरेशन ऑफ 75th एनिवर्सरी ऑफ विक्ट्री इन World War II। ठीक है, World War II में जो विक्ट्री हुआ था इसका कॉमेमोरेशन 75th एनिवर्सरी है। राइट, तो बेसिकली एक स्टेटमेंट है। अब इसमें और 3 स्टेटमेंट लिखा है जो हमारे क्वेश्चन से मतलब है। तो इंडिया इज ए मेंबर ऑफ शांघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन, ये तो है काफी न्यूज में आजकल, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। एंड इंडिया इज ए मेंबर ऑफ कलेक्टिव सिक्योरिटी ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, गलत है। इंडिया इज ए मेंबर ऑफ कॉमनवेल्थ इंडिपेंडेंट स्टेट्स, ये भी गलत है। देखते हैं शांघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन के बारे में। इट इज ए सिग्निफिकेंट ऑर्गेनाइजेशन दैट हैज ए वास्ट ज्योग्राफिक एक्सपेंस एंड इज इंपॉर्टेंट फॉर सेंट्रल एशिया, साउथ एशिया एंड एशिया पैसिफिक रीजन। ये तीनों रीजन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट एक ऑर्गेनाइजेशन है। ठीक है, इट इज ए मेजर यूरेशियन ऑर्गेनाइजेशन दैट रिप्रेजेंट्स हाफ ऑफ द वर्ल्ड्स पॉपुलेशन। ठीक है, तो शांघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जितने मेंबर कंट्रीज आ रहा है ये वर्ल्ड का हाफ पॉपुलेशन इसी में है। इसका रीजन भी है, देखो इसके मेंबर कंट्रीज कौन कौन सा है? इंडिया, कजाकिस्तान, चाइना। तो इंडिया एंड चाइना मोस्ट पॉपुलस कंट्री है। ठीक है, किर्गिस्तान है, पाकिस्तान है, रशिया है, तजाकिस्तान है और उज्बेकिस्तान है। एंड 4 ऑब्जर्वर स्टेट्स भी है, ये कौन कौन सा है? अफगानिस्तान, बेलारस, ईरान एंड मंगोलिया। अब इंडिया कब ज्वाइन हुआ था एससीओ में? 2017 में। आप देखते हैं कॉमनवेल्थ ऑफ इंडिपेंडेंट स्टेट्स के बारे में, ये एक रीजनल इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है, ध्यान रखना है। इसमें 9 मेंबर्स हैं, अभी पहले 10 थे, एक निकल गया। 9 कौन कौन है इधर लिखा है? आर्मेनिया, अजरबैजान, बेलारस, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, मोल्डोवा, रशिया, तजाकिस्तान एंड उज्बेकिस्तान। आप देखते हैं कलेक्टिव सिक्योरिटी ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन क्या है? ये देखो, इट इज एन इंटर गवर्नमेंटल मिलिट्री अलायंस है। ठीक है, ये जितने मेंबर कंट्रीज है इनके अमंगस्ट एक मिलिट्री अलायंस है। ये 15 मई 1992 में फॉर्म हुआ था, द कलेक्टिव सिक्योरिटी ट्रीटी। इसको तस्कन पैक्ट नहीं तो तस्कन ट्रीटी भी बोलते हैं। ठीक है, अब तस्कन कहां में, कहां पे है? रशिया में। तस्कन नाम सुन के आपको एक चीज याद आना चाहिए, जो 1962 में इंडो चाइना वार हुआ था तब हमारे प्रधानमंत्री कौन थे? लाल बहादुर शास्त्री जी थे। तो तस्कन में जब पीस डील हुआ था इंडो इंडिया एंड चाइना के बीच में, वो तस्कन में हुआ था। ठीक है, ये साइन होने के ठीक एक दिन बाद लाल बहादुर शास्त्री जी अपना जो प्राइम मिनिस्टर थे वो उनका डेथ हो गया था। ठीक है, तो काफ़ी न्यूज़ में था उस टाइम पे, और अभी भी उनका डेथ के बारे में कॉन्ट्रोवर्सीज चल रहा है। रिसेंटली एक फिल्म भी आया था। तो मूविंग ऑन टू द क्वेश्चन नंबर 3। विद रेस्पेक्ट टू द इंडिया जापान रिलेशंस विच ऑफ दी स्टेटमेंट्स आर करेक्ट? सो आंसर इज ऑप्शन बी 1 एंड 2 ओनली। इसका मतलब है स्टेटमेंट 3, इंडिया एंड जापान नेवर पार्टिसिपेटेड इन ए जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज। इंडिया एंड जापान नेवर पार्टिसिपेटेड, ये बिल्कुल गलत है। इंडिया और जापान के बीच में मिलिट्री एक्सरसाइजेस होते रहते हैं। देखते हैं इसके बारे में।
इंडिया एंड जापान साइन द लैंडमार्क सिविल न्यूक्लियर एग्रीमेंट ड्यूरिंग प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी विजिट टू टोक्यो ऑन नवंबर 2016, ए मूव दैट बूस्टेड bilateral economic and security ties and facilitate US based players to set up atomic plants in India. 2016 में जब प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी टोक्यो विजिट किए थे तब एक लैंडमार्क सिविल न्यूक्लियर एग्रीमेंट हुआ था, ठीक है। ये 2016 की न्यूज है, ठीक है, पर ये क्वेश्चन के लिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि इंडिया जापान के बीच में आजकल बहुत अच्छा रिलेशन है। अभी एक लोन भी दिया था राइट कोविड-19 के लिए, उसके लिए भी एक क्वेश्चन आ रहा है इसमें। अब ये न्यूज़ में तो एक क्वेश्चन डाला है, तो ये जो नवंबर 2016 में ये जो डील हुआ इसके बारे में थोड़ा देखते हैं। द साइनिंग ऑफ द डील विटनेस बाय प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी एंड हिज जापानीज काउंटर पार्ट शिंजो आबे ओपन्स द डोर फॉर टोक्यो टू सप्लाई न्यू दिल्ली विद फ्यूल इक्विपमेंट एंड टेक्नोलॉजीज फॉर न्यूक्लियर पावर प्रोडक्शन एज इंडिया लुक्स टू एटॉमिक एनर्जी टू सस्टेन इट्स रैपिड इकोनॉमिक ग्रोथ। देखो दोस्तों, इंडिया न्यूक्लियर पावर तो है पर इंडिया NSG में नहीं है, न्यूक्लियर सप्लायर ग्रुप में नहीं है, ठीक है। क्यों नहीं है? न्यूक्लियर सप्लाई ग्रुप में आने से इंडिया को बहुत फायदा है, ठीक है। क्या है? एटॉमिक फ्यूल मिल जाएगा, इक्विपमेंट्स, टेक्नोलॉजी, ये सब शेयर होगा। पर इंडिया नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी, एक न्यूक्लियर नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी है, मतलब और न्यूक्लियर इक्विपमेंट्स नहीं बनाएंगे, उसको टेस्ट नहीं करेंगे करके एक बहुत बड़ा ट्रीटी हुआ था बहुत पहले। इसमें काफी 190 मेंबर्स भी साइन किया पर इंडिया साइन नहीं किया। इंडिया ने बोला ये एक यूनिलैटरल डिसीजन टाइप का है, मतलब जैसे यूएस है जिसके पास ऑलरेडी न्यूक्लियर पावर है, वो लोग सब टेस्टिंग कर दिया, इक्विप कर दिया और इसके बाद बोल रहे हैं अभी न्यूक्लियर नॉन प्रोलिफरेशन करो। ये इंडिया ने माना नहीं, ठीक है, इंडिया ने माना नहीं और इंडिया ने खुद डेवलप भी किया और दो बार टेस्ट भी कर दिया, एक 1974 में और वाजपेयी जी के गवर्नमेंट के टाइम पे 1999 या 1998 में किया था। तो इसके बावजूद जापान ने इंडिया को हेल्प किया। इट इज द फर्स्ट टाइम जापान द ओनली कंट्री टू हैव सफर्ड ए न्यूक्लियर अटैक हैज कंक्लूडेड सच ए पैक्ट विद ए कंट्री दैट इज नॉट सिग्नेटरी ऑफ न्यूक्लियर नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी। न्यूक्लियर नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी में साइन नहीं किया इंडिया, फिर भी जापान ने यह डील साइन किया और जापान ने बोला हम आपको सप्लाई करेंगे क्या है विथ फ्यूअल इक्विपमेंट एंड टेक्नोलॉजीज फॉर न्यूक्लियर पावर प्रोडक्शन, राइट। तो इसके लिए जापान और इंडिया का रिलेशन और अच्छा हो गया उस टाइम पे, अभी भी सही है। बोथ जापान एंड इंडिया काउंटर एक्शंस ऑफ चाइना इन इंडो पैसिफिक। चाइना जो गलत काम कर रहा है, जो भी एक्शंस कर रहा है इंडो पैसिफिक रीजन में, उसके लिए जापान भी अपोज करते हैं, इंडिया भी साथ साथ अपोज करते हैं और भी कहीं देश अपोज करते हैं। आप लोगों को पता है वो आजकल न्यूज में आ रहा है। इट वॉज अंडर द इनिशिएटिव ऑफ दिस टू कंट्रीज दैट क्वाड ग्रुपिंग वाज फॉर्म्ड। अब आ रहा है क्वाड। क्वाड तो आपको पता ही है, पहले क्वेश्चन डाला था बहुत पहले, क्वाड में कौन कौन सा कंट्रीज है? इंडिया है, जापान है, ऑस्ट्रेलिया है, यूएसए है। तो क्वाड ग्रुपिंग में भी इंडिया जापान है, ठीक है। और देखो मिलिट्री एक्सरसाइजेस, द मिलिट्री एक्सरसाइज बिटवीन इंडियन आर्मी एंड द जापानीज आर्मी इज कॉल्ड धर्मा गार्डियन। इंडियन आर्मी और जापानीज आर्मी का मिलिट्री एक्सरसाइज होते हैं उसका नाम है धर्मा गार्डियन। द बाइलैटरल एक्सरसाइज बिटवीन इंडियन एयरफोर्सेस एंड जापानीज एयरफोर्स होता है, इसका नाम है शिन्यू मैत्री, राइट। जापान ऑल्सो पार्टिसिपेट्स इन द इंडिया यूएस मलबार नेवी एक्सरसाइज। देखो इंडिया यूएस मलबार नेवी एक्सरसाइज के बारे में भी पहले बताया है। ऑस्ट्रेलिया का इंक्लूजन करना है करके रिसेंटली एक न्यूज आया था, तो मोस्ट प्रोबेबली ऑस्ट्रेलिया भी इसमें इंक्लूड होगा जो मलबार नेवी एक्सरसाइज में, राइट। तो हमारा क्वेश्चन था विद रेस्पेक्ट टू इंडिया जापान रिलेशन, विच ऑफ दीज स्टेटमेंट्स आर करेक्ट, ठीक है। तो 192 ओनली है, ये सही है। इंडिया इज एन ओनली नॉन सिग्नेटरी इन द नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी टू रिसीव एक्सेप्शन फ्रॉम जापान टू रिसीव न्यूक्लियर फ्यूअल, राइट। एंड इंडिया एंड जापान आर मेंबर्स ऑफ क्वाड ग्रुप, ये भी सही है। क्वेश्चन नंबर 4, विद रेस्पेक्ट टू द एडजस्टेड ग्रॉस रेवेन्यू रिसेंटली सीन इन न्यूज, विच ऑफ दीज स्टेटमेंट्स आर करेक्ट। दोस्तों आज ही न्यूज में आया है एडजस्टेड ग्रॉस रेवेन्यू के बारे में, सुप्रीम कोर्ट ने एक वर्डिक्ट भी दिया है उसके बारे में, आज का डेली करंट अफेयर्स में हर्षित सर ने कवर किया है। तो द आंसर इज 1, 2 और 3, तीनों स्टेटमेंट सही है। इसके बारे में देखते हैं, व्हाट इज AGR? टेलीकॉम ऑपरेटर्स आर रिक्वायर्ड टू पे लाइसेंस फी एंड स्पेक्ट्रम चार्जेस इन द फॉर्म ऑफ रेवेन्यू शेयर टू द सेंटर। टेलीकॉम ऑपरेटर्स है जो हमारे इंडिया में, जैसे एयरटेल, वोडाफोन, जियो, ठीक है, ये सबको उनके रेवेन्यू के एक शेयर सेंटर को देना चाहिए। द रेवेन्यू अमाउंट यूज टू कैलकुलेट दिस रेवेन्यू शेयर इज टर्म्ड एज द AGR। AGR क्या है? एडजस्टेड ग्रॉस रेवेन्यू। इस तरह जो
रेवेन्यू शेयर देते हैं टेलीकॉम ऑपरेटर्स गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को, इसको एजीआर बोलते हैं, अकॉर्डिंग टू द डीओटी डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशंस। द कैलकुलेशन शुड इनकॉर्पोरेट ऑल रेवेन्यू अर्न्ड बाय टेलीकॉम कंपनी इंक्लूडिंग फ्रॉम नॉन टेलीकॉम सोर्सेस सच एज डिपॉजिट इंटरेस्ट एंड सेल ऑफ असेट्स। देखो एजीआर के अंदर क्या क्या इंक्लूड होना चाहिए इसके बारे में डिस्प्यूट था, ठीक है। ये टेलीकॉम कंपनीज ने क्या बोला कि हम लोग जो टेलीकॉम सर्विसेज हम पब्लिक को दे रहे हैं उससे जो रेवेन्यू मिलेगा वही आपको उसी से शेयर देगा आपको। पर गवर्नमेंट ने क्या बोला, नहीं, कैलकुलेशन शुड इनकॉर्पोरेट ऑल रेवेन्यू अर्न्ड बाय टेलीकॉम कंपनी इंक्लूडिंग फ्रॉम नॉन टेलीकॉम सोर्सेस। नॉन टेलीकॉम सोर्सेस मतलब आप टेलीकॉम सर्विस दे रहे हो उसका रेवेन्यू नहीं, आप लोगों के पास और भी रेवेन्यू है, बहुत पैसे वाले आप लोग, आप लोग डिपॉजिट इंटरेस्ट का भी रेवेन्यू देना चाहिए, सेल ऑफ असेट्स अगर कोई एसेट सेल कर रहे हैं आपको प्रॉफिट हो रहा है ठीक है उसका भी शेयर देना चाहिए गवर्नमेंट को। द कंपनीज हाउएवर हैव बीन ऑफ द व्यू दैट एजीआर शुड कॉम्प्रोमाइज द रेवेन्यूज जनरेटेड फ्रॉम टेलीकॉम सर्विसेज ओनली एंड नॉन टेलीकॉम रेवेन्यू शुड बी केप्ट आउट ऑफ इट। ये सेंटर ने माना नहीं, नॉन टेलीकॉम्स आपको नॉन टेलीकॉम सर्विसेज से भी कुछ फायदा हो रहा है उसका भी आपको देना पड़ेगा। अब हाउ लॉन्ग वॉज द फाइट बीन गोइंग ऑन, फाइट तो चल रहा था गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और टेलीकॉम कंपनीज के बीच में। द स्लगफेस्ट बिटवीन डीओटी एंड टेलीकॉम कंपनीज हैज बीन ऑन सिंस 2005, 2005 से ये फाइट चल रहा है। व्हेन द सेलुलर ऑपरेटर्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया, ध्यान रखना एक सेलुलर ऑपरेटर्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया है, द लोबी ग्रुप फॉर प्लेयर्स सच एज एयरटेल एंड वोडाफोन आइडिया, ठीक है, एक बहुत बड़ा एक लोबी ग्रुप है, ठीक है, एक टेलीकॉम ग्रुप है, एक सेलुलर ऑपरेशन एसोसिएशन ऑफ इंडिया, यह गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के साथ फाइट में निकल पड़ा। चैलेंजर द डीओटीज डेफिनेशन फॉर एजीआर कैलकुलेशन, इन्होंने चैलेंज किया जो एजीआर का डेफिनेशन इसको चेंज कर दो, इसमें हम नॉन टेलीकॉम रेवेन्यू नहीं देंगे आपको। सब्सिक्वेंटली इन 2015 द टीडी सैट, टीडी सैट क्या है, टेलीकॉम डिस्प्यूट सेटलमेंट एंड अपीलेट ट्रिब्यूनल, एक स्पेशल ट्रिब्यूनल बनाया गया इसी के लिए टेलीकॉम डिस्प्यूट सेटलमेंट्स के लिए, रूल्ड, इन्होंने रूल किया था। देखो क्या रूल किया, एजीआर इंक्लूडेड ऑल रिसीव्स एक्सेप्ट कैपिटल रिसीव्स एंड रेवेन्यू फ्रॉम नॉन कोर सोर्सेस सच एज रेंट, प्रॉफिट ऑन द सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट्स, डिविडेंड, इंटरेस्ट एंड मिसलेनियस इनकम। देखो टेलीकॉम कंपनीज को जो भी रेवेन्यू मिल रहा है उसका एक शेयर देना ही पड़ेगा, ये उन्होंने बोला था। फिर से उन्होंने चैलेंज किया, सुप्रीम कोर्ट ने वर्डिक्ट दे दिया, ये अपहेल किया उन्होंने, देना पड़ेगा करके फाइनली बोल दिया है, राइट। क्वेश्चन नंबर 5, विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री कमिट्स ऑफिशियल डेवलपमेंट असिस्टेंस ऑफ 3500 करोड़ टू फाइट कोविड-19 इन इंडिया। देखो आंसर है जापान, जापान ने कमिट किया है एक ऑफिशियल डेवलपमेंट असिस्टेंस के रूप में इंडिया को 3500 करोड़ रुपीज देंगे, राइट, किसके लिए, कोविड-19 को फाइट करने के लिए। देखो इंडिया विल रिसीव एन ऑफिशियल डेवलपमेंट असिस्टेंस लोन ऑफ एन अमाउंट ऑफ जापानीज येन 50 बिलियन, ठीक है, अप्रोक्सीमेटली 3500 करोड़ रुपीज है फ्रॉम द गवर्नमेंट ऑफ जापान, राइट। जापान हैज कमिटेड द लोन फॉर कोविड-19 क्राइसिस एमरजेंसी रेस्पॉन्स सपोर्ट इन ऑर्डर टू फाइट द कोविड-19 क्राइसिस, राइट। ओडीए लोन एक लोन है, ठीक है, विल सपोर्ट इंडिया सफर्स इन इट्स फाइट अगेंस्ट कोविड-19, इट विल ऑल्सो असिस्ट द कंट्री टू प्रिपेयर द हेल्थ सिस्टम एंड टू हैंडल फ्यूचर एपिडेमिक्स। इंडिया को ये बहुत हेल्प होगा हेल्थ सिस्टम को और प्रिपेयर करने के लिए और फ्यूचर कोई एपिडेमिक्स, कोई पैंडेमिक हुआ तो इसको भी कंट्रोल करने के लिए। इट विल ऑल्सो इंक्रीज द रिसेलेंस ऑफ इंडिया हेल्थ सिस्टम अगेंस्ट इन्फेक्शियस डिजीजेस। तो बेसिकली वही पॉइंट है, इंडिया का हेल्थ सिस्टम को हेल्प करेगा। जापानीज गवर्नमेंट हैज ऑल्सो कमिटेड ग्रांड असिस्टेंस ऑफ एन अमाउंट ऑफ जापानीज येन 1 बिलियन अप्रोक्सीमेटली 70 करोड़, एक एडिशनल है फॉर ऑफरिंग मेडिकल इक्विपमेंट टू बोल्स्टर द पब्लिक हेल्थ एंड मेडिकल सिस्टम इन इंडिया। देखो जापानीज गवर्नमेंट इंडिया के लिए बहुत कुछ कर रहा है और 70 करोड़ दे दिया किसके लिए, मेडिकल इक्विपमेंट के लिए और पब्लिक हेल्थ एंड मेडिकल सिस्टम को और इंप्रूव करने के लिए। द लोन विल हैव एन इंटरेस्ट रेट ऑफ 0.01% पर एनम विद ए रिडक्शन पीरियड ऑफ 15 ईयर्स इंक्लूडिंग ए 4 ईयर ग्रेस पीरियड। तो बेसिकली ये लोन का इंटरेस्ट 0.01% है पर एनम। क्वेश्चन नंबर 6, इंडिया हैज विदड्रॉन इट्स पार्टिसिपेशन फ्रॉम विच मल्टीलैटरल मिलिट्री एक्सरसाइज टू बी हेल्ड इन रशिया बिटवीन 15 to 26 September 2020। आंसर इज बी काकास 2020। तो ये न्यूज में आजकल बहुत आ रहा है काकास 2020 के बारे में, ठीक है, तो आंसर इज काकास 2020। इंडिया हैज विदड्रॉन इट्स पार्टिसिपेशन फ्रॉम मल्टीलैटरल मिलिट्री एक्सरसाइज काकास 2020 टू बी हेल्ड इन रशिया बिटवीन 15 to 26 September 2020।
रशिया ने इनविटेशन दिया था इंडिया को इसमें पार्टिसिपेट होने के लिए, तो इंडिया अभी इससे विड्रॉ किया, COVID-19 के कारण बोला है, पर और भी कारण स्ट्रैटेजिक एक्सपर्ट्स बोल रहे हैं। रशियन वो मैं बताता हूँ आपको, रशियन इंडिया आर प्रिविलेज स्ट्रैटेजिक पार्टनर्स एट रशियाज इन्विटेशन, इंडिया हैज बीन पार्टिसिपेटिंग इन मेनी इंटरनेशनल इवेंट्स, राइट। वैसे रशिया में अभी एक, मैं पहले कवर किया था, एक आर्मी एक्सपो चल रहा है, ठीक है, इसमें भी इंडिया, इंडियन आर्मी के रिप्रेजेंटेटिव गए हुए हैं। ड्यू टू COVID-19 एंड कॉन्सिक्वेंट डिफिकल्टीज इन एक्सरसाइज, इंडिया हैज डिसाइडेड नॉट टू सेंड ए कंटिजेंट दिस ईयर टू कारगिल 2020। तो इंडिया ने डिसाइड कर लिया अभी आर्मी का कोई कंटिजेंट, ठीक है, अपना फोर्सेस का कोई भी कंटिजेंट नहीं जाएंगे। कावकास 2020 वुड बी हेल्ड इन अस्ट्राखान प्रोविंस ऑफ सदर्न रशिया, वेर मेंबर कंट्रीज ऑफ शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन एंड सेंट्रल एशियन कंट्रीज वुड बी पार्टिसिपेटिंग। अदर कंट्रीज दैट वुड पार्टिसिपेट इन दिस एक्सरसाइज आर चाइना, पाकिस्तान, रशिया, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, तजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान, मंगोलिया, सीरिया, ईरान, इजिप्ट, बेलारस, टर्की, आर्मेनिया, अबकाजिया, साउथ ऑस एशिया, अजरबैजान, तुर्कमेनिस्तान। तो बेसिकली यही सब कंट्रीज पार्टिसिपेट कर रहे हैं। तो इंडिया इससे विड्रॉ होने का रीजन क्या क्या होगा आप लोग सोच सकते हो। एक तो COVID-19 बता दिया, ठीक है, मेजर रीजन। और देखो शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन के मेंबर सारे आ रहे हैं, इसमें चाइना भी है, पाकिस्तान भी है, ठीक है। तो चाइना के साथ अब कोई ऐसा एक्सरसाइज करने के लिए मूड में नहीं है इंडिया, एक रीजन बोल रहा है, पर मेन रीजन ड्यू टू COVID-19 बोला है, राइट। क्वेश्चन नंबर 7, मेड बोट रिसेंटली सीन इन न्यूज रिसेंटली इज ए रिमोट कंट्रोल्ड मेडिकल ट्रॉली टू डिलीवर फूड मेडिसिन टू COVID-19 पेशेंट्स, इट वॉज डेवलप्ड बाई, ये भी न्यूज में आया था, मेड बोट, ये इंडियन रेलवे ने बनाया है, राइट। देखो फोटो इतना क्लियर नहीं है, यही फोटो मिला है मुझे, तो ये है मेड बोट। इंडियन रेलवे हैज डेवलप्ड ए रिमोट कंट्रोल्ड मेडिकल ट्रॉली नेम मेड बोट टू हेल्प डिलीवर फूड एंड मेडिसिन टू COVID-19 पेशेंट्स। देखो ये मेड बोट है, ये रिमोट कंट्रोल्ड है, तो इसलिए फिजिकल कॉन्टैक्ट नहीं होगा, इसमें से इसमें रख के मेडिसिन फूड ये सब कोविड पेशेंट्स को डिलीवर कर सकता है, ठीक है, बाद में इसको स्टेरलाइज कर लेंगे। ड्यूरिंग कोरोना क्राइसिस अपार्ट फ्रॉम प्रोवाइडिंग ट्रांसपोर्ट फैसिलिटीज एंड एसेंशियल आइटम्स लाइक फूड ग्रीन्स टू पीपल, इंडियन रेलवे हैज ऑल्सो प्रोवाइडेड फैसिलिटीज फॉर COVID-19 पेशेंट्स। देखो ये कोरोना क्राइसिस के टाइम पे इंडियन रेलवे ने बहुत हेल्प किया पब्लिक को, जैसे ट्रांसपोर्ट फैसिलिटीज, ठीक है, और एसेंशियल आइटम्स लाइक फूड ग्रीन्स टू पीपल, ठीक है। तो इंडियन रेलवे ने एक स्पेशल ट्रेन भी डाला था, ठीक है, ये जो स्ट्रांडेड माइग्रेंट वर्कर्स को ट्रांसपोर्ट करने के लिए, ये आप मैंने कवर किया था 2-3 दिन, 2-3 दिन, 2-3 हफ्ते पहले। तो आपको अगर याद है तो कमेंट बॉक्स में लिख के बताइए कि वो ट्रेन सर्विस का नाम क्या था, राइट। इट इज प्रोवाइडिंग सर्विस इन द सेंट्रल हॉस्पिटल ऑफ द डीजल रेल इंजन फैक्ट्री ऑफ इंडियन रेलवे। क्वेश्चन नंबर 8, इंदिरा 2020 रिसेंटली सीन इन न्यूज इज क्या है। आंसर इस ऑप्शन है ए बाइलैटरल नेवल एक्सरसाइज बिटवीन इंडिया एंड रशिया अमिड हाई ऑपरेशन अलर्ट बाय द इंडियन नेवी इन द इंडियन ओशन रीजन ड्यू टू द ऑन गोइंग स्टैंड ऑफ विथ चाइना इन लडाख। इंडिया एंड रशिया आर शेड्यूल्ड टू होल्ड द बाइलैटरल नेवल एक्सरसाइज इंदिरा 2020 इन द अंडमान सी क्लोज टू द स्ट्रैटेजिक स्ट्रेट ऑफ मलाका लेटर दिस वीक, ठीक है। तो मलाका स्ट्रेट के बारे में सुबह करंट अफेयर्स में हर्षित सर ने कवर किया है, ये कहाँ है, इसकी ज्योग्राफिकल लोकेशन वगैरह। तो बेसिकली हम यही जानेंगे, इंडिया एंड रशिया एक बाइलैटरल नेवल एक्सरसाइज करेंगे अंडमान सी में मलाका स्टेट के पास, जिसका नाम रखा गया इंदिरा 2020, राइट। थ्री रशियन नेवी शिप्स विल टेक पार्ट इन द एक्सरसाइज ऑन सेप्टेंबर 4 और 5 अलॉन्ग विद एन इक्वल नंबर ऑफ इक्वल नंबर फ्रॉम द इंडियन नेवी अलॉन्ग विद सम एयरक्राफ्ट, ठीक है, ए डिफेंस सोर्स सेट। दिस इज ऑल्सो द फर्स्ट बायलैटरल नेवल एक्सरसाइज सिंस ऑल द एंगेजमेंट्स वेर सस्पेंडेड ड्यू टू COVID-19, ठीक है, COVID-19 से सब सस्पेंड किया था, तो ये ऐसा फर्स्ट बायलैटरल नेवल एक्सरसाइज होगा। देखो दोस्तों, इंडो चाइना स्टैंड ऑफ के बारे में हम सब आजकल न्यूज़ पे पढ़ रहे हैं, तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, और इंडो चाइना स्टैंड ऑफ को दूसरे देश जैसे रशिया, यूनाइटेड स्टेट्स का कैसे देख रहे हैं, क्या स्टैंड ले रहा है, यह सब अच्छा सा पढ़िए, ये एग्जामिनेशन में इस बार पक्का पूछना है। क्वेश्चन नंबर 9, विच कंट्री इज द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ टर्मरिक इन द वर्ल्ड। टर्मरिक मतलब हल्दी, तो हमारा इंडिया इज द आंसर, ऑप्शन डी। वाई न्यूज, देखो दोस्तों एक न्यूज आया था आज, टर्मरिक शॉर्टेज स्पार्क्स कंसर्न इन श्रीलंका, आज के हिंदू न्यूज पेपर में है।
A shortage of turmeric, a key ingredient in Sri Lankan cuisine, has sparked concern among consumers about supply amid soaring costs in recent months, after the government decided to restrict imports in the wake of global coronavirus pandemic. वैसे गवर्नमेंट ऑफ श्रीलंका ने ग्लोबल कोरोना वायरस पैंडेमिक के चक्कर में हल्दी का इंपोर्ट्स को रोका था. अब क्या हो गया, शॉर्टेज आ गया, क्योंकि ये हल्दी जो है श्रीलंकन क्यूसिन का एक मेजर पार्ट है. श्रीलंकन्स अपने खाने में बहुत यूज करते हैं ये, राइट. तो अकॉर्डिंग टू इम्पोर्टर्स इन श्रीलंका, इंडिया इज अमंग देयर चीफ सोर्सेस ऑफ टर्मरिक इम्पोर्ट, सेलिंग अबाउट 5,000 टन ए ईयर. बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इंडिया श्रीलंका को 5,000 टन, लगभग 5,000 टन एक्सपोर्ट करते हैं, राइट. विथ प्रोडक्शन इन द आइलैंड फार फ्रॉम मीटिंग द डिमांड, वैसे श्रीलंका में भी प्रोडक्शन है पर डिमांड को पूरा नहीं कर पाता, इसलिए वो लोग इम्पोर्ट करते हैं. एस्टिमेटेड 7,000 टन, ठीक है, 7,000 टन का कंसप्शन है उधर, एक्यूट शॉर्टेज है. अब देखो, इंडिया इज द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर, कंज्यूमर एंड एक्सपोर्टर ऑफ टर्मरिक इन द वर्ल्ड. बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट, इंडियन टर्मरिक इज कंसिडर्ड टू बी द बेस्ट इन द वर्ल्ड मार्केट बिकॉज ऑफ इट्स हाई कुरकुमिन कंटेंट. देखो, हल्दी में मेजर कंपोनेंट है कुरकुमिन, इसका मेडिसिनल प्रॉपर्टीज भी बहुत है. वैसे हम हल्दी इंडियंस नहीं, हर जगह हल्दी मेडिसिनल प्रॉपर्टीज में यूज करते हैं. कहीं कट गया, सूजा गया, तो ये हल्दी लगाते हैं, आप लोगों को पता ही है. इंडिया अकाउंट्स फॉर अबाउट 80% ऑफ वर्ल्ड टर्मरिक प्रोडक्शन एंड 60% ऑफ वर्ल्ड एक्सपोर्ट्स, ठीक है. 80% इंडिया करते हैं और 60% ऑफ वर्ल्ड एक्सपोर्ट्स, हल्दी जो एक्सपोर्ट होते हैं उसका 60% इंडिया से है. अदर मेजर प्रोड्यूसर्स आर पाकिस्तान, चाइना, हैती, जमैका, पेरू, ताइवान एंड थाईलैंड. एशियन कंट्रीज कंज्यूम मच ऑफ देयर टर्मरिक प्रोडक्शन, तो इसका कंज्यूम भी एशियन कंट्रीज ही सबसे ज़्यादा करते हैं. देखो दोस्तों, इस तरह की क्वेश्चंस यूपीएससी में अक्सर पूछा जाता है. हमारे नेबरिंग कंट्रीज में ऐसे कोई एक्यूट शॉर्टेज है या कोई प्लांट डिसीज है, क्रॉप डिसीज है, ऐसा आ गया, अगर न्यूज़ में आ गया तो ज़रूर पूछ सकता है. एक बार यूपीएससी में एक क्वेश्चन पूछा भी था, श्रीलंकन कॉफी एस्टेट्स में कुछ लीफ डिजीज आया था, इसके बारे में एक क्वेश्चन था प्रीलिम्स में, राइट. तो इस तरह के क्वेश्चन को भी नहीं छोड़िएगा. क्वेश्चन नंबर 10, व्हाट इज कोगैट, समटाइम्स सीन इन इंटरनेशनल न्यूज. द आंसर इज ऑप्शन बी, ए यूनिट इन द इसराइल मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस दैट एंगेजेस इन कोऑर्डिनेटिंग सिविलियन इश्यूज बिटवीन द गवर्नमेंट ऑफ इसराइल, इसराइल डिफेंस फोर्सेस, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस, डिप्लोमैट्स एंड द पैलेस्टीनियन अथॉरिटी. तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, पैलेस्टीन अथॉरिटी के साथ जो इसराइल गवर्नमेंट, ठीक है, जो भी वेलफेयर एक्टिविटीज, कोऑर्डिनेशन एक्टिविटीज, ये सब कोगैट के थ्रू करता है. देखते हैं कोगैट क्या है. पहले, यूनिट फॉर कोऑर्डिनेशन ऑफ गवर्नमेंट एक्टिविटीज इन द टेरिटरीज. तो बेसिकली कोगैट का फुल फॉर्म है कोऑर्डिनेशन ऑफ गवर्नमेंट एक्टिविटीज इन द टेरिटरीज. इज रेस्पॉन्सिबल फॉर कोऑर्डिनेशन एंड लाइसन विद द पैलेस्टीन अथॉरिटी. तो इसराइल में जितने भी पैलेस्टीनियन सेक्टर है, उधर के लोगों का वेलफेयर, उधर के इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट्स, ठीक है, ये सब एक अथॉरिटी के जैसा कोगैट देखता है. द यूनिट रिपोर्ट्स टू इसराइल्स मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस एंड टू द मेजर जनरल ऑफ कोगैट हु इज अ मेंबर ऑफ आईडीएफ जनरल स्टाफ. देखो दोस्तों, आईडीएफ मतलब इसराइल डिफेंस फोर्सेस, ये कोगैट जो है मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस का एक यूनिट है, ये सबसे पहले जानिए. तो ये रिपोर्ट किसको करेगा, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस को करेगा, और इसका एक मेजर जनरल है, उनका नाम है कमील अबू रुकून, मेजर जनरल कमील अबू रुकून, 2018 से इनका कोऑर्डिनेटर है, ठीक है, मेजर जनरल रैंक का है. द यूनिट्स एक्टिविटीज इंक्लूड प्रमोशन ऑफ ह्यूमैनिटेरियन प्रोजेक्ट्स, ठीक है, जो पैलेस्टीनियन सेक्टर में जितने भी ह्यूमैनिटेरियन प्रोजेक्ट्स हैं ये सब ये हैंडल करता है. एडवांसमेंट ऑफ द पैलेस्टीनियन इकोनॉमी, प्रॉब्लम्स तो चल ही रहा है पैलेस्तीन और इसराइल के साथ, तो पैलेस्टीनियन इकोनॉमी जो है उनका एडवांसमेंट, सॉरी, डेवलपमेंट ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर इन द टेरिटरीज, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप भी करना है, ये भी इनका काम है. कोगैट ऑल्सो वर्क्स विद इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस टू इम्प्रूव द स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग फॉर पैलेस्टीनियंस रिसाइडिंग विद इन दिस रीजन. तो जो पैलेस्टीनियंस पैलेस्टीनियन सेक्टर में रह रहा है, इनका स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग इम्प्रूव करना है. तो बेसिकली इनका वेलफेयर देखना कोगैट का काम है. जितने भी टेरिटरीज है इनमें, जो इसराइली सेटलमेंट्स है, पैलेस्टीनियन सेटलमेंट्स है, ये सबका वेलफेयर कोगैट देखेगा. An additional component of the unit is the School of Coordination and Liaison. ठीक है, ये कोगैट का एक additional component है, इसका नाम है School for Coordination and Liaison, which trains and educates कोगैट soldiers, commanders and officers in the following subjects. इनका एक School of Coordination and Liaison है, ये education देता है कौन कौन से subject में, Islam में, English language में, Arabic language, German, culture, history, economy, citizenship and humanitarian issues. तो ये सब का बारे में education भी provide करता है.
द स्कूल कोर्सेज ऑपरेट इन कोलाबरेशन विद IDF एट लार्ज एंड एजुकेट पार्टिसिपेंट्स टू प्रिपेयर देम फॉर द चैलेंजेस दे मे फेस ड्यूरिंग देयर सर्विस. तो ये बेसिकली एक मिलिट्री स्कूल है, ठीक है. सोल्जियर्स को, कमांडर्स को, ऑफिसर्स को इन सब सब्जेक्ट्स के बारे में पढ़ाते हैं. ये भी इनका एक यूनिट है, ठीक है. तो दोस्तों कोगार सुनते ही आपको याद होना चाहिए कोऑर्डिनेशन ऑफ गवर्नमेंट एक्टिविटीज इन टेरिटरीज. जितने भी इसराइली टेरिटरीज है, पैलेस्टीनियन सेक्टर में जितने भी इंफ्रास्ट्रक्चरल एक्टिविटीज है, ह्यूमैनिटेरियन एक्टिविटीज है, वेलफेयर ऑफ द पीपल है, ये सब कौन देखेगा? कोगार देखेगा, राइट. सो द आंसर इज ऑप्शन बी. तो दोस्तों हमारे 10 क्वेश्चन इधर खत्म हो रहे हैं. उम्मीद है आप लोग मैक्सिमम क्वेश्चन अटेंड कर पाए. आप लोगों के मार्क्स जरूर लिखिएगा कमेंट बॉक्स में. अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो लाइक कीजिएगा और इस वीडियो को शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा. दोस्तों जितने क्वेश्चन मैं डाला हूँ सारे करंट अफेयर्स से रिलेटेड है, तो इसके नोट्स बनाना मत भूलिएगा. सुबह के हर्षित सर के डेली करंट अफेयर्स जो न्यूज़ और शाम के क्यूज दोनों देखने से आपका कोई भी टॉपिक जो करंटली चल रहा है इन एंड अराउंड आवर कंट्री ये मिस नहीं होगा. तो इसके नोट्स बनाना भी ज़रूरी है और ज़्यादा रिसर्च भी करना ज़रूरी है. एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू में ये दोनों वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है. सो थैंक यू फॉर वॉचिंग. बाय बाय.